नमस्कार, सचिन योगा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की मैं वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं जिनकी आंतें जो हैं, आंतों की दीवारें जो हैं वो क्लीन नहीं रहती। देखिए, आंतों में मल का इकट्ठा हो जाना, आप सारी उम्र कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, आप बाहर का भी खाते हैं, घर का भी खाते हैं, चिकनाहट खाते हैं, तली हुई चीजें खाते हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें खा जाते हैं जो शरीर में जा करके आंतों पर चिपक जाती है। देखिए, जो आप खाते हैं वो आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, जो वेस्टेज आंतों में चिपका रहे और जो बाहर ना निकल सके वो जो है आंतों की गंदगी बोला जाता है। आज जो है मेरी वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी आंतें अच्छे से साफ नहीं हो पाती, इंटेस्टाइन जो है उसमें गंदगी जमा रहती है। देखिए, आपने क्या करना है, आपने एक गिलास गर्म दूध ले, गिलास गर्म दूध लेकर उसके अंदर आप आटे का जो चोकर होता है, आप आटे को छान लें, एक चम्मच आटे का चोकर गर्म दूध के अंदर, उसमें आधा चम्मच गाय का घी डालें, उसके साथ आप काली साबुत मिर्च ले लीजिए अच्छी क्वालिटी की, दो काली साबुत मिर्च पीस करके दूध के अंदर डाल दीजिए। आप इस मिक्सचर को रात को सोने से पहले, खाने के एक घंटे के बाद आप लीजिए, आप इसे कुछ हफ्तों तक रिपीट करें तो आपके जो आंतों में मल इकट्ठा है वो अपनी जगह छोड़ेगा और इंटेस्टाइन क्लीन करते हुए बॉडी से बाहर निकल जाएगा जब आप स्टूल पास आउट करेंगे। ये बहुत ही फायदेमंद फार्मूला है उन लोगों के लिए जिनकी आंतों में गंदगी है। आंतों में गंदगी की वजह से ही बहुत सारी परेशानियों का सामना आता है, जैसे पेट में दर्द, आंतों का कैंसर, इंटेस्टाइन का कैंसर एक कॉमन सी प्रॉब्लम होती जा रही है, क्योंकि आंतों में गंदगी इकट्ठी रहती है, उसकी वजह से इंटेस्टाइन का कैंसर जो है वो सामने आता है। आप मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो इंटेस्टाइन में गंदगी की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं उनको फायदा मिल सके। मेरा अभियान यही है, प्रयास यही है कि आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।